अरे मम्मी वो देखो पापा। अरे बेटा तेरे पापा यहाँ पर कहाँ से आ जाएंगे, तेरे पापा तो ऑफिस के लिए गए हुए हैं। अरे मम्मी मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, उस गाड़ी में पापा ही हैं। अरे कहाँ हैं तेरे पापा? अरे ये तो तेरे पापा ही हैं, लेकिन इनके साथ ये लड़की कौन है? बेटा मुझे लग रहा है तेरे पापा हमको धोखा दे रहे हैं। घर पर बोल कर आए थे कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर इस लड़की के साथ कुलछर्रे उड़ा रहे हैं। मम्मी आप एक काम करो, आपने पापा को कॉल लगाओ और उनसे पूछो कि वो कहाँ पर हैं। यार बेबी तुम बिना कहीं भी शुरू हो जाते हो, मैं तुमसे बोल रही थी ना होटल चल रहे थे, 1000-1500 रुपए खर्च हो जाते, इससे ज्यादा क्या होता। और वैसे भी पब्लिक पैलेस में ना मुझे ये सब करना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यार तुम कैसी बातें कर रही हो, यहाँ पर हम दोनों ही तो हैं और हमारे सिवा कोई भी नहीं है, और यहाँ पर हमें कौन देख लेगा? यार वीर वैसे हम लोगों को ना इतना टाइम हो गया मिलते हुए, ये बताओ हम लोग शादी कब कर रहे हैं? यार तुम शादी की क्यों टेंशन ले रही हो, अभी बहुत टाइम है ना हमारे पास, कर लेंगे कभी भी शादी, अभी मस्ती करने के दिन है, मस्ती करते हैं। हाँ बेटा तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं अभी तेरे पापा को कॉल करती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो मुझे क्या बताते हैं। अरे यार ये कॉल किसकी आ रही है? ये तो मेरी बीबी की कॉल है, अगर मैंने सालू के सामने बात की तो इसको पता चल जाएगा कि मैं शादीशुदा हूँ। एक काम करता हूँ कोई बहाना बनाता हूँ फिर उसके बाद बात करता हूँ। सालू वो मम्मी का फ़ोन आ रहा है घर से, मैं एक मिनट बात करता हूँ, ठीक है ना, फिर बात करते हैं हम। हाँ हेलो। हाँ वीर तुम कहाँ पर हो? अरे मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, तो ऑफिस में हूँ मैं। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, जब मैं ऑफिस में हूँ उस टाइम पर कॉल मत किया करो। देखो बॉस ना मुझ पर बहुत नाराज़ होते हैं, वो मुझसे कहते हैं हर टाइम बात करते रहते हो, अब जल्दी से फ़ोन काटो। अच्छा तो तुम ऑफिस में इतने बिजी हो कि तुम्हें मुझसे बात करने तक का टाइम नहीं है, ठीक है। वीर तुम अपनी मम्मी से इतना चिल्ला के बात करते हो? अरे कुछ नहीं, वो मम्मी खाने के लिए बोल रही थी और मैंने उनको बोला था कि मैं होटल से खाकर आ जाऊंगा। चलो ये सारी बातें छोड़ो, हम बाहर चलते हैं घूमने के लिए। मम्मी क्या कहा पापा ने? बेटा जैसा हमने सोचा था ना वैसे ही निकला, तेरे पापा हमको धोखा ही दे रहे हैं। वो मुझसे बोल रहे थे कि मैं ऑफिस में हूँ, लेकिन यहाँ पर लड़की के साथ ये सब कर रहे हैं। चलो मम्मी हम पापा के पास चलते हैं। नहीं बेटा अभी उनके पास जाना ठीक नहीं है, जब तेरे पापा घर पर आ जाएंगे ना तब हम उनसे बात करेंगे। चल अभी हम घर चलते हैं। ठीक है मम्मी। अरे आंटी आप तो वही हो ना जो कल मेरे पापा के साथ गाड़ी में बैठी थी। अरे बेटा ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं कुछ समझी नहीं। आंटी जी कल आप जिनके साथ में बैठी थी ना वो मेरे पापा हैं। क्या कहा बेटा, वो तुम्हारे पापा हैं? पर उनकी तो अभी शादी नहीं हुई है और हम लोग तो बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं। आंटी जी मैं सच बोल रहा हूँ, वो मेरे पापा ही हैं। बेटा मुझे लगता है ना कि आपको कुछ गलतफहमी हुई है, वो आपके पापा नहीं है, और मैं कैसे मान लूँ कि वो आपके पापा हैं? आंटी जी अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो आप मेरे घर पे चलो, मैं ना आपको अपनी मम्मी से मिलवाता हूँ। ठीक है बेटा मैं चलती हूँ तुम्हारे घर पे, तभी मुझे पता चलेगा कि वीर की सच्चाई क्या है। चलो बेटा। मम्मी ये वही आंटी है जो पापा के साथ गाड़ी में बैठी थी। अरे बेटा तू इनको घर पर ले आया, कोई बात नहीं आइए बैठिए। रोहित तुम्हारे ट्यूशन का टाइम हो गया, तुम जाओ। ठीक है। वो मैं ना तुमसे वीर के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ, वीर कौन है आपके? वो मेरे पति हैं। क्या वो तुम्हारे पति हैं? इसका मतलब तुम्हारा बेटा सच बोल रहा था कि वो उसके पापा हैं? कल मैंने तुम दोनों को गाड़ी में एक साथ देखा था और मैंने उन्हें कॉल भी की थी, लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया और मुझसे कह रहे थे कि मैं घर पर आकर बात करूंगा। अच्छा इसका मतलब वो कल अपनी मम्मी से नहीं तुमसे फोन पे बात कर रहे थे इतना चिल्ला के। इसका मतलब वीर हम दोनों को धोखा दे रहे हैं, मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ और कुछ ही दिनों में ना हम दोनों शादी भी करने वाले थे। वीर की सच्चाई हम दोनों के सामने आ गई, वरना वीर से शादी करके ना मेरी भी जिंदगी खराब हो जाती। मुझे अपने पति से ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऑफिस के बहाने तुमसे मिलने के लिए जाते हैं। अनुष्का मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना लगा दो। सालू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या हुआ वीर तुम इन्हें जानते हो क्या? हाँ वो ये ना वो। अरे वीर इतना क्यों हिचकिचा रहे हो, साफ साफ बता दो इनको मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और ये तुम्हारी वाइफ है। वीर तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया, और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें जो तुम्हें ये सब करना पड़ा? जरूरत थी मुझे, क्योंकि तुझे कुछ आता जाता तो है नहीं, तू गांव की ठेठ गवार है, और मैं चाहता था कि मुझे कोई पढ़ी लिखी लड़की मिल जाए, लेकिन पता नहीं तू गवार जन कहां से पल्ले पड़ गई। वीर तुमने ना हम दोनों को धोखा दिया है और इसकी सजा ना तुम्हें मिलकर रहेगी। और हाँ वीर तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए?
अरे मेरे बारे में ना सही, कम से कम अपने बच्चे के बारे में सोच रहे थे। हमारा 10 साल का बेटा है और उसके बाद भी तुम्हारे सर पर आसकी का भूत सवार है। वीर, तुम्हारी ये सब सच्चाई जानकर ना अब मैं तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती। नहीं सालू प्लीज, तुम ऐसा मत बोलो। तुम तो अच्छे तरीके से जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और वैसे भी हम तो कुछ दिन बाद शादी भी करने वाले हैं। देखो तुम मेरी पत्नी की टेंशन मत लो, मैं उसको संभाल लूंगा, मैंने से डाइवोर्स दे दूंगा, उसके बाद हम अपनी जिंदगी जिएंगे। क्या कहा तुमने? तुम मुझसे शादी करने के लिए अपनी पत्नी को डिवोर्स दे सकते हो? इसका मतलब ना तुम किसी और लड़की से शादी करने के लिए ना मुझे भी डिवोर्स दे सकते हो, इसलिए ना मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। और हाँ दीदी, मैं तो यही चाहती हूँ कि इस इंसान से ना तुम भी कोई रिश्ता मत रखो। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, जिस इंसान को मेरे प्यार की कदर ना हो मैं उसके साथ रहकर क्या करूंगी। वीर जा रही हूँ मैं अपने बेटे को लेकर, आज के बाद हमारी तरफ पलट कर भी मत देखना और भूल जाना कि तुम्हारा एक 10 साल का बेटा और एक वाइफ थी। हाँ वीर, मैं भी जा रही हूँ और भूल जाना कि तुमने किसी सालू से प्यार भी किया था। सालू मेरी बात सुनो, अरे मैं किसके साथ रहूंगा,